डियर स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट ज्योग्राफी पार्ट टू, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत आज हम अध्याय नंबर 3 मानव विकास के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। मानव विकास अर्थात मनुष्य का विकास। अब मनुष्य के विकास से अभिप्राय केवल मनुष्य के अच्छे कपड़े पहनने या अच्छा खाना पानी खाने से संबंधित नहीं है, अपितु मनुष्य का सही मायने में विकास तभी संभव है जब मनुष्य को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, अच्छा रहन सहन, जीवन यापन करने का तरीका और अच्छे रोज़गार, बेशक वो सरकारी क्षेत्र के हो या निजी क्षेत्र के, जिस मनुष्य के पास ये सुविधाएं उपलब्ध होगी वही मनुष्य वास्तव में विकसित कहा जा सकता है। यदि हम बात करें हमारे देश भारत के संदर्भ में, तो भारत की 70% आबादी गांव में रहती है और गांव में अभी तक भी वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जिसका वो हकदार है, अर्थात उसे अच्छी शिक्षा सुविधाएं, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं। बेशक अधिकांश गांवों में अच्छे विद्यालय खोल दिए गए हैं, परंतु वहां अध्यापकों की कमी है। अच्छे अस्पताल बना दिए गए हैं, परंतु वहां चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार अनेक ऐसी योजनाएं भले ही वो लागू कर दी गई हैं, पर वहां पर वो मूलभूत सुविधाएं मनुष्य को मिल नहीं पाती हैं। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत में 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ जो मानव का सूचकांक है वो दुनिया के 188 देशों में 131वें क्रम पर आता है, अर्थात विश्व के कुल 188 बड़े देश हैं जिनमें से हमारा स्थान 131वें नंबर पर आता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मानव विकास कितनी गति से और कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे विषम परिस्थितियों वाले देश में वास करते हैं जहाँ हमारा जीवन यापन सीधे तौर पर प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ा होता है। यदि सही समय पर यहाँ वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ जाता है और कई बार समय के बाद या समय से पहले ज़रूर से ज़्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है। इसके अतिरिक्त और अनेक प्रकार की राजनीतिक संकट, धार्मिक हिंसा इत्यादि ऐसे घटनाएं हैं जो कि हमारे मानव विकास में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो अब हम सब मिलकर इस पर विचार करेंगे, आगे भी अध्ययन करेंगे कि मानव विकास सूचकांक के लिए क्या क्या आवश्यक सुविधाएं हमारे लिए होनी चाहिए और उन सुविधाओं में हम कहाँ तक खरे उतरते हैं। धन्यवाद।